हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। चेन्नई के इस मुस्लिम लड़के रोशन किया मुसलमानों का नाम, देश को मिला दूसरा कलाम। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता, हम सभी चाहते हैं कि हम भी कलाम साहब की तरह देश का नाम रोशन करें। जानिए कितना युवा देश में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन सभी की प्रेरणा अब्दुल कलाम हैं। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट एपीजे अब्दुल कलाम की बातें को सुनते समझते भी है और सोचते हैं कि किसी रोज देश का नाम उसी तरह रोशन करेंगे जैसे कलाम ने किया। आपको बता दें कि भारत में बे इंतहा टैलेंट है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले रिफत शाहरुख भी बेशुमार टैलेंट के धनी हैं। रिफत ने दुनिया का सबसे छोटा एस्ट्रोलाइट बनाया है। उन्होंने ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रिफत ने ऐसा करके हमारे देश का नाम दुनिया के पटल पर और ऊंचा कर दिया है। चेन्नई के 12वीं कक्षा के छात्र रिफत ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो सबसे हल्का और सबसे छोटा है। इस कारण पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी पॉपुलैरिटी कुछ उसी तरह है जिस तरह एपीजे अब्दुल कलाम की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिफत की उम्र अभी महज 18 साल की है। इस छात्र के कारनामे ने एक बार फिर अब्दुल कलाम की यादों को ताजा कर दिया है। इस सैटेलाइट को बनाने में उनके पास 5 और लोग भी हैं। इसको रिफत ने सैटेलाइट यूएस स्पेस एजेंसी नासा और आईडूड लर्निंग इंक ग्लोबल एजुकेशन कंपनी के सामूहिक तत्वाधान में आयोजित कयूबस इन स्पेस कॉन्स्ट्रेट के दौरान बनाया था। उन्होंने इनका नाम कलाम सेट रखा है जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही है। इस सैटेलाइट का वजन महज 100 ग्राम है। भारत ने कुछ महीने पहले ही स्पेस में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर एक नया कीर्तिमान बनाया था। अब भारत के हिस्से गर्व का एक और पल आने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चेन्नई के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट तैयार किया है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 साल के रिफत शाहरुख ने एक ऐसी चीज तैयार की है जिसे वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट बताया है। रिफत ने यह सैटेलाइट यूएस स्पेस एजेंसी नासा और आईडूड लर्निंग इंक ग्लोबल एजुकेशन कंपनी के सामूहिक तत्वाधान में आयोजित कयूबस इन स्पेस कॉन्स्ट्रेट के दौरान बनाया। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।